गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल गाइज, ये हमारे ट्रिप का पहला दिन है और अभी हम निकल रहे हैं सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैप्चर करेंगे और जा रहे हैं अभी बाइक रेंट करने, तो बाइक रेंट करने के बाद मिलते हैं। सो राइट नाउ वी हैव केम टू द प्लेस कॉल्ड नैनी लेक एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन नैनीताल। जस्ट लुक एट दिस व्यू, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू ऑफ नैनीताल एंड नैनी लेक टू। हमने अभी एक कार रेंट किया है नैनीताल को एक्सप्लोर करने के लिए और अभी हम 7500 फीट की ऊंचाई पे जाने वाले हैं और फिर वहां से आपको व्यू दिखाते हैं कैसा दिखता है। हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, ये है इको केव पार्क और इसमें टोटल 6 गुफाएं हैं और अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसी गुफाएं हैं और देखते हैं इसमें कितना मजा आता है। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट केव है विच इज द टाइगर केव और अब हम एंट्री करने जा रहे हैं अंदर। केव्स की सैर हो चुकी है और अब आगे 4 और केव्स बचे हैं। So we are now entering Porcupine Cave. अंदर चल के देखते हैं कैसा है।
अनदर केव विच वी आर एंटरिंग इज बैट्स केव। केव में अंदर जाने के बाद तो हालत खराब हो जा रही है, पर ये एक्सपीरियंस करना काफी जरूरी है। The cave garden is a must visit visiting place if you are coming to Nainital, and just enjoy the view. Look at this view, man. This is the best view. If you are coming to Nainital, you will just see. It's a nice spot if you are coming here to take the pictures. पिक्चर्स क्लिक कराने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है। आप व्यू देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। And now we are leaving for another destination, and when we will reach there, then you will see the video. तो गाइज अभी हम घोड़े की राइड कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग, और मैं जिस घोड़े पे बैठा हूँ उसका नाम रानी है, और ये पीछे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। चला यही हॉर्स है जिस पे हम राइड कर रहे थे, ये सब, और ये हमारे गाइड हैं। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान यही घोड़ों गाइड है और हमारे भी गाइड है, यही गाइड करते हुए लाए हैं और घोड़े भी सिखाने में मदद कर रहे हैं। भैया इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए। इस जगह का नाम है लैंड सैंड, यहाँ से पाली का रास्ते का एंड हो जाता है। अच्छा, आगे से एक लेक नजर आएगी कुरपा ताल। अच्छा, जैसे गाय का पैर होता है वो उसी के आकार में बनी है। अच्छा, एक दो घंटे में कलर चेंज करती है मौसम के हिसाब से मैजिक लेक। अच्छा, नैनीताल की बैक साइड में। बहुत बढ़िया है, इधर में जिप लाइन होती है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे जिप लाइन होती है ऊपर, यहाँ पे आप अगर जिपलाइन करना चाहें तो जिपलाइन भी कर सकते हैं, और अभी आप व्यू एंजॉय करिए। We'll be right back.
सो वी आर डन विद द जिप लाइन एंड बाकी का कंटेंट देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा. और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल.